नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरूप और आपका एक बार फिर से स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। जी हाँ, एक ऐसा शो जो बेस्ड है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर। दोस्तों, इस शो में हम करते हैं दिल की बात। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में हम 90% से ज़्यादा डिसीजंस अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हमारे साथ, हमारे बीच है डॉक्टर प्रतीक्षा, जो कि है एक वर्ल्ड रिनॉर् ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज जैसे कि ईईसीपी और एसीटी। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। वेलकम अगेन टू आईपीसी हार्ट केयर डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और सिम्टम की जो लीड करती है हार्ट के प्रॉब्लम में, और वो है पैल्पिटेशन। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करें, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अगर आप किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह की क्वेरी को पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए इस नंबर पर, बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से। चलिए डॉक्टर, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि पैल्पिटेशन क्या है, इसे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करें। या एक्चुअली धड़धड़ करना, जो हार्ट रेट बढ़ जाती है, इसे पैल्पिटेशंस कहते हैं। मेडिकली मैं व्यूअर्स को समझाऊं कि अपना हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो अगर जब धड़धड़ होना बोलते हैं, तो मेडिकली जब भी 90 के ऊपर हार्ट रेट हो गया या 100 के ऊपर हो गया जी, तो वो कभी कभी खतरेदायक हो सकता है। तो इसके लिए ये जो टर्म पैल्पिटेशंस है, मतलब जो भी फील होता है, लेकिन कोई कोई लोगों को ऐसा भी होता है साइलेंट, मतलब हार्ट रेट फास्ट होता है लेकिन फील भी नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से जो फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम। हेलो, मैं डियोन जेन बात कर रही हूँ, गोवा से। ऑलराइट, तो क्या प्रश्न है आपका जेन, पूछिए आप डॉक्टर प्रतीक्षा से। ओके, हेलो मैम, मेरी मम्मी है 53 ईयर ओल्ड है, उसको बहुत पैल्पिटेशन हो रहे 2 महीने से। अच्छा, और उसको थकावट भी महसूस होती है। अच्छा, तो हम लोगों ने हमारे फिजिशियन को बताया था, उन्होंने ईसीजी करने को बोला, तो ईसीजी हम लोगों ने किया, तो वो तो अभी नॉर्मल है। तो मतलब आपकी राय चाहिए थी मैम कि अभी क्या करना चाहिए हम लोग को। लेकिन जब भी उनको धड़धड़ महसूस होती है तभी आपने ईसीजी किया है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के पास जाके, या रूटीन? वो बाद में किया हम लोगों ने। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये जो पैल्पिटेशंस होते हैं, धड़धड़ होती है, तो वो हार्ट की डिजीज की भी सिम्टम हो सकता है। क्योंकि जैसे उनकी एज आपने बताई है 55 इयर्स, तो उसमें हार्ट के में ब्लॉकेजेस होने की वजह से भी हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल सकती है, और धड़धड़ होना एक चिन्ह हो सकता है। तो और दूसरा, जो 2D एको टेस्ट करके हार्ट के वाल्व्स को भी देखना चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, या तो एबनॉर्मल बीट्स या मिसिंग बीट्स या बीट्स बढ़ जाना, ये भी दूसरे कारण होते हैं। तो मेरे हिसाब से जस्ट डूइंग ईसीजी इज नॉट इनफ, आपको और इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और उसका जो कारण है वो प्रमाणित करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये उम्र में लोग ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं, टेंशन भी लेते हैं, या इमोशनली भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन वो सब बाद में की बात है। पहले शारीरिक लेवल पे हार्ट रिलेटेड कुछ है कि नहीं, वो यू नो यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, यू नो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डायग्नोस। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जेन, आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकती है आईपीसी हार्ट केयर के वेबसाइट पर, जो कि ipc-india.org। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर प्रतीक्षा, ये बताइए कि जब ये पैल्पिटेशंस होते हैं तो कई लोग पैनिक करते हैं और उनको ये लगता है कि बस अब दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन और दे आर गोइंग टू डाई। द फियर ऑफ डेथ इज द मेन थिंग, तो क्या ये बात सच है?
ऐसा होता सी है? जैसे कि या कई कई प्रकार के, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पैल्पिटेशंस या कैसे धड़धड़ होती है, क्योंकि कोई कोई पैल्पिटेशंस डेफिनेटली जानलेवा होते हैं. तो जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है कि हमें लोगों को हार्ट अटैक से या यू नो सडन डेथ से बचाना है, तो इसी के लिए हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कौन से टाइप ऑफ पैल्पिटेशंस है, यू नो व्हाट आर द टाइप्स, यू नो लाइक जैसे एक रूटीन मैं दर्शकों को बता दूं कि कार्डियक और नॉन कार्डियक, यू नो लाइक दिस. लाइक कभी कभी जैसे कि कोई लोग बहुत ही कॉफ़ी पी लेते हैं, यू नो, या बहुत सिगरेट पी लेते हैं, तो उससे भी आपकी मतलब धड़कन तेज हो सकती है. कोई कोई लोग बहुत ही फास्ट होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं एक साथ, आपने देखा फोन उठाएंगे, लिखेंगे, ये करेंगे, यू नो लाइक. सो बिकॉज ऑफ दोज रीजंस ऑल्सो द हार्ट रेट कैन इंक्रीज, बट बिकॉज ऑफ हार्ट, यू नो कभी कभी पैल्पिटेशन के साथ गिडीनेस होती है, या वो इतनी धड़कन तेज हो जाती है कि दूसरे सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग है, यू नो लाइक चक्कर आना है. तो ऐसा सब अगर कुछ होने लगता है तो यू हैव टू डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कुड बी लाइक इन मेडिकली वी से मेनी टाइम्स सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग, यू नो दैट इट कैन कॉज सडन डेथ ऑल्सो, एंड फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड. सो धड़धड़ को प्लीज आप ये मत लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीट्स फास्टर है, प्लीज गो एंड गेट अ चेकअप. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेट मी एश्योर यू इट इज सेफ, बट वाई टू टेक दैट 2-3% चांस, यू नो, बिकॉज अवर एम इज टू सेव द लाइफ. एब्सोल्युटली. एंड फ्रेंड्स लेट मी एश्योर यू कि अगर ऐसी दिल की डॉक्टर आपके साथ हो तो आपके दिल का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा. आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही उन लोगों की जुबानी सुन लीजिए इस बात को जो क्या कह रहे हैं आपसे. देखिए, ये हृदय के बीमारी का प्रॉब्लम मेरे को 2004 साल में चालू हो गया. वो टाइम मेरे को, मैं मॉर्निंग वॉक में जब जाता था तब मेरे को 100 स्टेप्स भी चलने को बहुत दिक्कत होती थी. योगा योग से एक दिन टीवी पर डॉक्टर प्रतीक्षा का प्रोग्राम मेरे को दिखने में आया और वो इस हृदय बीमारी के बारे में ही था, इसलिए मैंने तुरंत डॉक्टर प्रतीक्षा को कॉन्टैक्ट किया और उसका अपॉइंटमेंट लिया और हम लोग 8 दिन में ही आईपीसी में चेकिंग के लिए गए. उधर डॉक्टर प्रतीक्षा ने मेरे को चेकिंग किया और उसके लिए उपचार सजेस्ट किया कि आप एसीटी का ट्रीटमेंट ले ले. मैंने तुरंत ही मई महीने में ही एसीटी का ट्रीटमेंट चालू किया और 10-12 ड्रिप्स लेने के बाद मेरे को बहुत रिलीफ मिल गया और मेरा चलने का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मुझे अभी लास्ट 7 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है. डॉक्टर प्रतीक्षा ने जो मेरे को ये डायरेक्शन दिया मेरा जीवन सुधारने के लिए, उसके लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ. तो देखा आपने, सोचा समझा जाना कि किस तरह आईपीसी हार्ट केयर ने कर दिया है इनकी लाइफ को इम्प्रूव. वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप लोग कॉल करते रहिए नंबर्स पर और बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आईपीसी हार्ट केयर. मैं हूं अरूप और मेरे साथ है वर्ल्ड रेनॉट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस्ड एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट को यूएस से इंडिया लाने में पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर प्रतीक्षा को. आप इस मौके का पूरा फायदा उठाइए, इनसे बात कीजिए इन टेलीफोन नंबर्स पर जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं. जल्दी से कॉल कीजिए और हमें फ़ोन लगाइए. तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रतीक्षा. अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप आईपीसी में किस तरह इन पैल्पिटेशन के प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप, जानकारी दीजिए. जैसे मैंने शुरुआत में भी दर्शकों को बताया कि पैल्पिटेशन के जो कॉजेज है कि वो जो नॉर्मल में है कि डिजीज़ रिलेटेड है, तो सबसे पहले अपना एक एम क्या होता है कि डिजीज़ रिलेटेड है कि नहीं, कि स्पेशली हार्ट रिलेटेड है कि नहीं, वो फाइंड आउट करना. तो जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें ECG है और देर इज समथिंग नोन एज 24 आवर्स ECG मॉनिटरिंग, जैसे हम लोग हॉल्टर टेस्ट कहते हैं. तो हार्ट जो 1,00,000 बार दिन में बीट होता है तो सब बीट्स का रिकॉर्डिंग होता है. कभी कभी हमने देखा है कि जैसे कोई लोगों की हम मिलते हैं पेशेंट्स को कि मिसिंग बीट्स होती है, तो 10 साल 15 साल से उनकी मिसिंग बीट्स चलती रहती है. तो कभी कभी मिसिंग बीट्स आम भी होता है, लेकिन वो
कार्डियक रिलेटेड, जैसे कि ब्लॉकेजेस है या कभी कभी पेसमेकर के इश्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल रिदम के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सब है कि नहीं, दैट ऑल्सो वी ट्राई टू फाइंड आउट थ्रू दिस टेस्ट। फिलहाल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? परेरा। कहाँ से बोल रहे हैं परेरा जी? बांद्रा से। ऑलराइट, बांद्रा मुंबई से परेरा जी हमारे साथ हैं, और आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मेरे को थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट बीट इंक्रीज होता है, कभी कभी मिसिंग होता है, तो और भी कुछ करना पड़ेगा क्या? अच्छा, हार्ट रिलेटेड आप दवाई ले रहे हैं? ओके। हाँ, हार्ट रिलेटेड। सी बेसिकली, अगर आपको हार्ट डिजीज है और ऐसे हार्ट बीट्स इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो फॉर योर हार्ट चेकअप, क्योंकि ये जो ये आपको अगर ब्लड सप्लाई, जैसे आपने बताया कि आप ब्लड थिनिंग ड्रग्स ले रहे हैं, तो किधर तो आपको डायग्नोस हुआ रहेगा कि आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई में शॉर्टेज है या ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। सो ये जो पैल्पिटेशंस है वो हार्ट डिजीज का सिम्टम है, तो इसके लिए प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, एंड विदाउट ऑपरेशंस आल्सो वी ट्रीट एट अवर सेंटर, यू नो, टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई थ्रू एडवांस्ड यू नो मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड वी हैव गॉट ईसीपी एंड ऑल। सो पहले मुझे लगता है मिस्टर परेरा कि आप अपना सही डायग्नोसिस करवा लीजिए कि व्हाई यू आर गेटिंग पैल्पिटेशंस, एंड वंस द कॉज इज एस्टैब्लिश्ड आई थिंक वी कैन गाइड ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट। थैंक यू सो मच मिस्टर परेरा, और घबराने की कोई बात नहीं है, आईपीसी हार्ट केयर इज देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यू आर एन एडवोकेट फॉर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जी, लेकिन सर्जरीज भी आप सजेस्ट करती हैं जब, व्हेन इट कम्स टू लाइफ सेविंग। एब्सोल्युटली। सो कैन यू एक्सप्लेन कि किस तरह के पेशेंट्स को आप सर्जरीज कंसल्ट एडवोकेट करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऑलमोस्ट यू नो 30,000 से ज़्यादा केसेस को कंसल्ट किया, और ये सब जो भी क्वेश्चंस जो भी पूछ रहे, लाइक वी ट्रीट ऑल दिस टाइप ऑफ केसेस एवरी डे। अभी क्या है कि जब भी हार्ट की डिजीज में, मतलब जो नस है उनकी तीन नस में ब्लॉकेजेस होते हैं, तो लेफ्ट मेन में होते हैं, तभी सर्जरी इज मैंडेटरी। हार्ट का फंक्शन बहुत वीक है तभी सर्जरी बिकम्स मैंडेटरी। और पैल्पिटेशंस का जो आज विषय निकला हुआ है, तो कभी कभी पैल्पिटेशंस इज आल्सो बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक पाथवेज इन द हार्ट, तो तभी वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करके तभी उसकी एक रेडियो एब्लेशन फ्रिक्वेंसी करके सर्जरी होती है। सो एट आई पी सी वॉट वी बिलीव इन इज दैट First is accurate diagnosis. You know, we diagnose the case, exactly. We go to the root cause, we take lot of efforts in that, because you know, वो patient ही तो चक्कर ही काटते रहते हैं, ये दवाई लो, वापस आओ, right. और इलाज होता नहीं है, तो इलाज बहुत जरूरी है, and when surgery is there, life saving, we tell. We have another caller with us. Okay. से बात करते हैं। Hello. Hello. जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं सर। फैसल खान। Actually, I'm 70 years old. जी 70 साल की उम्र है, मैं रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ मैडम का। मेरी समस्या ये है कि कभी अगर जरा कुछ घबराहट होती है, कुछ खाना ज्यादा खा लिया तो हाँ? लेफ्ट आर्म में पेन होने लगता है, हाँ? हालांकि मैं रेगुलर 30 मिनट वॉक भी करता हूँ, सुबह हाँ? में योगा भी करता हूँ, हाँ? लेकिन तो आपको हार्ट की डिजीज है आपको के आपका कोई चेकअप हुआ है? नहीं, ऐसा चेकअप तो खास कुछ नहीं करवाया है मैंने। हाँ, तो ये जो आपको घबराहट हो रही है और ये जो सब सिम्टम्स है, तो आपको बिकॉज आपकी 70 इयर्स की एज है, तो आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना हो सकती है, तो इसके लिए आप हार्ट चेकअप करवा लीजिए, जिसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ईसीजी होता है, वॉकिंग टेस्ट होती है, इकोस, तो ये सब करवा के आपको देखना पड़ेगा कि आपका हार्ट रिलेटेड है या क्या है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आईपीसी हार्ट केयर पर आने के लिए और पैल्पिटेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आज की ये सारा डिस्कशन आपके काफ़ी काम आएगा। आप जान चुके हैं पैल्पिटेशंस कैसे लीड करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हार्ट, बट बिफोर दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस, अगर आपको बात करनी है, डॉक्टर प्रतीक्षा से कुछ पूछना है, तो ये है हमारा पता। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर, 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, SV रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930-099975। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। अगले एपिसोड में और भी कई बातें होंगी, हम बात करेंगे उन सारे रीजंस की जो लीड करती हैं हार्ट प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए अपने दिल का रखें ख्याल। दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ फ्रॉम आईपीसी हार्ट केयर। टेक केयर।